टीवी पर पहली बार अपराधियों का स्कूल। मैं जाने के लिए अलाउ नहीं करता हूँ। इस थाना प्रभारी बूढ़ा में रहते हुए आज तक कोई भी चैनल डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँचे। NDTV के आप लोग वहाँ पर अपने साहस पे गए। देखिए वहाँ से हमारी तफ्तीश। आज हम इन्हीं दो गांव में पड़ताल करने के लिए निकले हुए हैं। 2 लाख फीस भरिए, चोरी लूट का कोर्स करिए। यहाँ माँ बाप ही बच्चों को भेजते हैं चोरी लूट की पढ़ाई के लिए। इस स्कूल से देश भर में होता है प्लेसमेंट। राजधानी भोपाल से सिर्फ 117 किलोमीटर दूर राजगढ़ जिले के 2 गांव देश भर में इन दिनों चर्चा में हैं। जी हाँ, इन दोनों गाँव को अपराध की नर्सरी और अपराध की पाठशाला के तौर पर देखा जा रहा है। पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा FIR किसी गांव में दर्ज है चोरी के मामलों में, और शादी ब्याह के चोरी के मामलों में तो खास तौर पे वो यही 2 गांव हैं। आज हम इन्हीं 2 गांव में पड़ताल करने के लिए निकले हुए हैं और दिन भर इन गांवों में वक्त बिताएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 117 किलोमीटर दूर के 3 गांव से लगभग देश के हर राज्य की पुलिस का पाला पड़ रहा है। वजह बताने से पहले ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। दिसंबर 2023, दिल्ली। मेहता परिवार में शादी थी। राजगढ़ के गुलखेड़ी का रहने वाला 22 साल का यश सिसोदिया सज धज कर शादी में पहुंच गया। नाचा गाया, खाया पिया, फिर गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। 22 साल के यश पर देश के अलग अलग राज्यों में 18 मामले दर्ज हैं। मार्च 2024, गुड़गांव में एक शादी थी। राजगढ़ के कड़िया गांव में रहने वाला 24 साल का रविंद्र सिसोदिया वहां पहुंचा पूरी तैयारी के साथ, ठीक दूल्हे के माँ बाप के पीछे बैठा। मौका मिलते ही गहनों का बैग उठाकर चलता बना। जयपुर के हयात होटल में इसी साल 8 अगस्त को डेस्टिनेशन वेडिंग चल रही थी। हैदराबाद के रहने वाले कारोबारी नरेश कुमार गुप्ता के बेटे की शादी थी। रात करीब 11:30 बजे मंडप के पास दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया जा रहा था। आशीर्वाद देने के दौरान दूल्हे की मां ने हाथ में लगा सफेद रंग का बैग पास में रख दिया। मौका मिलते ही नाबालिग चोर बैग ले उड़ा। बैग में 1.5 करोड़ रुपए के गहने और 1 लाख रुपए कैश था। चोरी के बाद गैंग कड़िया गांव आया, चोरी किए गहनों को ठिकाने लगाया। किसी को शक न हो ये दिखाने के लिए आरोपी कांवड़ यात्रा पर निकल गए। बाद में नाबालिग पकड़ा गया और गैंग का पर्दाफाश हुआ। आपके अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे, दूल्हा दुल्हन के साथ बैठेंगे, उनको लिफाफे देंगे, वहाँ पर मेहमान और आपके रिश्तेदार बनके वहाँ पर रहेंगे। कई जगह पे तो ऐसी फोटोग्राफ्स भी सामने आई हैं जहाँ पर दूल्हा दुल्हन की गोदी में बैठ के इन नाबालिगों ने फोटो खिंचाई है। और जैसे ही इनको मौका दिखेगा या कोई कार्यक्रम में समझ में आएगा कि नकदी जमा हुई है, या रिसेप्शन में जहाँ पर जो लोग त्यौहार के लिए लाते हैं या व्यवहार लाते हैं उसका बैग जमा हुआ है, तो उसको लेकर तत्काल फरार हो जाते हैं। घर, बैंक या शादी समारोह में लाखों करोड़ों की लूट डकैती के मामले सामने आते ही पुलिस मध्य प्रदेश के इन गाँव का रुख करने लगती है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की पचोर तहसील में पड़ने वाले ये 3 गांव कड़िया, गुलखेड़ी और हुलखेड़ी को देश भर की पुलिस अपराध की नर्सरी के तौर पर जानती है। पुलिस इस इलाके में जाने से भी परहेज करती है। राजगढ़ का ये बोडा थाना छोटा जरूर लगता हो देखने में, लेकिन कड़िया और गुलखेड़ी 2 गांव का इतना आपराधिक रिकॉर्ड है कि उन सब को के होने वाले अपराध बेहद संगीन माने जाते हैं। जी हाँ, देश भर में ये दोनों गांव के लोग कुख्यात बदमाश के तौर पर देखे जाते हैं। यही कारण है कि अपराधों का ग्राफ इतना ज़्यादा है कि थाने के रोजनामचे की हालत देखेंगे तो आपको इतने मोटे नज़र आएंगे, और रोज़ाना इनमें कोई ना कोई अपराध जो है दर्ज होता है। पुलिसकर्मी दिन भर इस बात को लेकर अलर्ट रहते हैं कि कहीं कड़िया और गोलखेड़ी में तो नई वारदात नहीं हो गई। रोजनामचा शुरू होता है कड़िया और गोलखेड़ी से और देर रात खत्म होता है कड़िया और गोलखेड़ी पे। मैं इस वक्त बोडा इलाके में मौजूद हूँ, बोडा थाना। जी हाँ, ये वही थाना है जहाँ पे कड़िया और गुलखेड़ी गिरोह का सबसे ज़्यादा पाला पड़ता है। और मेरे साथ इस थाने के थाना प्रभारी साहब मौजूद हैं, राम कुमार भगत साहब। राम कुमार भगत साहब, हम उस इलाके में जाना चाहते हैं, केड़िया, कड़िया और गुलखेड़ी इलाके में। सवाल आपने बिल्कुल सही किया, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और इसलिए हम लोग जब भी जाना होता है तो बल ले करके इकट्ठा दबी देना होता है या आरोपी पकड़ना होता है, तब हम बल ले करके जाते हैं। आप लोग
आप लोगों के साथ में ये सामान है और इसके साथ कोई घटना घटित न कर दे, उन लोगों के बारे में ये नहीं कह सकता मैं कि वो आपके साथ किस तरीके से व्यवहार करेंगे, और इसलिए मैं जाने के लिए अलाउ नहीं करता हूँ। ठीक है सर, आप अलाउ नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्राइम है इस इलाके में। दो गांव हैं, दो गांव ने आपके नाक में दम कर रखा है, करोड़ों रुपए की चोरी करते हैं ये लोग। क्या देश भर में इकलौते दो गांव हैं जिसमें सर्वाधिक एफआईआरों के बदमाशों पर? अपराधियों की गतिविधियों को रोकथाम करने के लिए हमारे एसपी महोदय ने पिछले 3-4 महीने से कैंप लगा करके वहाँ पर अपराधियों की चिन्हित करने के लिए और पकड़ने के लिए भरसक हर संभव प्रयास किया गया है, और जिस पर से हमको धनात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं और आरोपीगण भी फरार हो गए हैं। जैसे ही आरोपी आते हैं हम उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप जैसे ही राजगढ़ की पचोर तहसील में प्रवेश करेंगे वैसे ही आपको ग्रामीण इलाका नजर आने लग जाएगा, लेकिन उनमें कहीं भी लैंडमार्क के तौर पर कड़िया, गुलखेड़ी और हुलखेड़ी जैसे हजारों की आबादी वाले तीनों गांवों का जिक्र नहीं मिलेगा। वजह वही, चोरी डकैती के स्कूल। देश भर की पुलिस आरोपियों को यहां तलाशने आती है, इसी वजह से अपराधी उन्हें गांव की पहचान नहीं मालूम होना देना चाहते हैं। इलाके की ग्रामीण महिलाएं कुछ भी पूछने पर बच्चों को पागल बता देती हैं और खुद कम सुनने का बहाना करने लग जाती हैं। मैं इस वक्त उस सड़क पर मौजूद हूँ जो कड़िया सासी की ओर जाती है। तमाम गांव की महिलाएं बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं महिलाओं को, और यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? 40 साल हो गया। अच्छा, इसी गांव में? हाँ। ये रोड आपके इधर कड़िया सांसी जाता है? हाँ। अच्छा, कड़िया सांसी में बहुत चोरी लूटपाट की वारदातें करते हैं वहाँ के लोग? नहीं, ऐसे तो कोई आपत्ति नहीं है, नहीं ऐसे अनुभव भी नहीं अपने, ना कोई कोशिश भी नहीं अपने, जब परेशानी भी नहीं है कोई बात की वो करें तो। हाँ नहीं, अपने कोई दुखी नहीं है, दिहाड़ की वही करवा जावा हम तो मजदूरी। अच्छा। हाँ, दिहाड़ की वही करवा। पुलिस वुलिस के बीच बहुत संघर्ष होता है उनके बीच? नहीं हो, नहीं पुलिस वुलिस तो आप हमें तो सब परेशानी नहीं है, पुलिस वाला भी कोई हाथ उनसे झगड़ा बहुत होता है कभी कभी आवे ले तभी ऐसे बात कर गुड़क चल जावे भी। अच्छा अम्मा, आप बताओ, बहुत सुना है चोरी वोरी होती है वहाँ के, बच्चे बहुत चोरी करते हैं? बहुत कम सुना भैया, कुछ सुनो वो। अच्छा मेरे को ये बताओ, वहाँ पे जो बच्चे हैं वहाँ बहुत झगड़ा होता है सुना है, महिलाएं वहाँ की चोरी की वारदात करती हैं, चोरी करती हैं? कौन चोर करता है हमारे घर में तो कोई भी नहीं है। नहीं, वो बाहर करने जाते हैं, तो पागल लड़का है। बाहर करने जाती हैं जो मेहनत तो कर रहे हैं मजदूरी, तो हमें हमारे से मेहनत मजदूरी हो या बेटिया एक जाके पागल है भाई तो नहीं बोलेगी। किसी भी अनजान शख्स को देखते ही गांव वाले चौकन्ना हो जाते हैं। कैमरा तो छोड़िए, मोबाइल कैमरा निकालते ही हर कोई अलर्ट हो जाता है। देश में ये इकलौते तीन गांव हैं जहां बच्चों को चोर लुटेरे और जेब कतरे बनने की नर्सरी संचालित होती है। यहां माँ बाप ही बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, हर बच्चे की फीस 2-3 लाख रुपए। इकलौता इलाका ऐसा होगा मध्य प्रदेश में, आपकी काफ़ी सर्विस ग्वालियर चंबल इलाके में रहे, डकैतों का भी इतना ही खौफ होता था जितना इस इलाके के बदमाशों का है? इनका डकैतों का डकैती डालने के नियम और कायदे अलग होते हैं, इनके जो ये बैग लिफ्टिंग, बैंक से चुराना, ये सब काम रहता है, और ये लोग लगभग ट्रेंड होल्डर टाइप के होते हैं, बच्चों के द्वारा ही चोरी करवाते हैं। बच्चे जिसकी उम्र 17 साल से कम हो उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्या अपराध की नर्सरी और पाठशाला के तौर पर देखा जा रहा है जहाँ इतने मासूम बच्चों के साथ अपराध कराए जा रहे हैं? ये प्रमाणित तो नहीं है लेकिन देखा जा रहा है, हम भी देख रहे हैं कि बच्चों से ही अधिकतर ये चोरी करवा। इन गांवों में 12-13 साल की उम्र में ही बच्चों को अपराध के स्कूल में भेज दिया जाता है। माँ बाप खुद चेक करते हैं कि कौन सरगना कितनी अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है। इस ट्रेनिंग में बच्चे को जेब काटना, भीड़ के बीच से बैग उठाना, तेजी से फरार होना, पुलिस पकड़ ले तो कैसे बचना है और पिटाई कैसे सहन करनी है, ये सब सिखाया जाता है। इसके बाद उसे 1 साल के लिए गैंग में काम पर रखा जाता है। इसके एवज में सरगना उसके माँ बाप को साल के 3-5 लाख रुपए तक देता है। ये गैंग बड़े शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं, पहले रेखी फिर चकमा देने की नई नई तरकीब, जैसे कपड़ों पर गंदगी डालकर, पता पूछने के बहाने से, शादियों से गहने और रकम चोरी करने जैसी वारदात। पकड़े जाने पर वकीलों की बड़ी टीम इन्हें बचा लेती है। गांव के अमीर लोग गरीबों के बच्चे 1-2 साल के लिए किराए पर भी लेते हैं, इसके लिए बाकायदा बोली लगती है,
रकम 20 लाख रुपए तक। ट्रेनिंग के बाद जब 5-6 गुना कमाई करके बच्चा दे देता है तो उसे आजाद कर दिया जाता है। आप सोच रहे हैं इन बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती होगी। दरअसल ये बेहद ही कम पढ़े लिखे और गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं जिनको इस काम में शामिल किया जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि ट्रेनिंग का हिस्सा इनकी सिर्फ ये होती है कि जब बड़ी और हाई प्रोफाइल शादियां होती हैं तो इनको महंगे कपड़े पहनाए जाते हैं, इनको कैसे खाना है, कैसे बोलना है और कैसे घुलना मिलना है, ये तमाम चीज़ें वहाँ के जो ट्रेनिंग स्कूल हैं घर घर में चलने वाले उनमें सिखाई जाती हैं। राजगढ़ जिले के कुछ गांव में ऐसे लोग हैं जो कि इनका इंटर स्टेट में बहुत डिमांड होता है। अभी हाल ही में जयपुर पुलिस कमिश्नर ने मुझसे फ़ोन करके बताया कि एक बहुत बड़ी चोरी हुई और शादी के घर से लगभग 1.5 करोड़ के जेवरात चोरी करके लेके आए और उनका अंदेशा था कि राजगढ़ के रहने वाले हैं आरोपी। तो उनके जो इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने डेवलप किया और राजगढ़ पुलिस से उसको शेयर किया गया। देश के कई जगहों में इस तरह की वारदातें करते हैं और यहाँ पे ले आके माल को फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पे भी उनको भेजना होता है। तो अगर त्वरित कार्रवाई होती है, तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हमारा इंटर स्टेट कोऑपरेशन बहुत अच्छा होता है और हम लोग तत्काल उसमें कार्रवाई करके और जो भी टीम आती है उनके विवेचना में भी सहयोग करते हैं और गिरफ्तारी में भी सहयोग करते हैं। अब इसको क्या कहेंगे, बहुत बड़ी कुरीति है और ये बड़ा इनका मॉडस ऑपरेंडी है। नॉर्मली बच्चों को अच्छे कपड़े पहना के शादी के ड्रेस में इंटर करा दिया जाता है और वो बच्चों को लोग कोई शक की निगाह से भी नहीं देखते जिसका वो फ़ायदा उठा के ये काम होता है। ये बच्चे भी इतने शातिर होते हैं कि बगैर जौहरी गहने की परख कर लेते हैं। जयपुर में 1.5 करोड़ रुपए की चोरी की जिस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था उसमें एक ही हार की कीमत 80 लाख रुपए थी। अकेले बोड़ा थाने में सांसी, बहुल, गुलखेड़ी, हुलखेड़ी और कड़िया गांव हैं। सांसी जाति के लोगों का नाम अपराधों में शामिल होने के लिए वैसे भी कुख्यात है। इन गाँव के 300 से अधिक बच्चे अलग अलग राज्यों और शहरों में इसी तरह से शादी समारोह में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। ये गैंग राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्य चोरी के लिए तो जाता ही है। इनके राडार पर महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य भी हैं। हवाई सफर, सड़क मार्ग से महंगी गाड़ियां, महंगी कारों और ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले ये अपराधी महंगे सूट बूट पहनकर शादी पार्टियों में पहुंचते हैं, बच्चों के अभिभावकों से तय रकम में सौदा तय करते हैं। उसके बाद तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चों को ट्रेनिंग के बाद अलग अलग राज्यों में वारदात के लिए शादी के सीजन में ले जाते हैं। देखने में लगता है ये सब एक ही परिवार के हैं। बड़े सदस्यों का काम शादी समारोह में फैलकर गहने पैसों की रेकी करना होता है, फिर बच्चों को इशारा किया जाता है। इसके बाद बच्चा बैग चोरी कर लेता है। बाद में सारे लोग बारात से निकलकर ऑटो या दूसरे सार्वजनिक वाहनों से फरार होते हैं। आगे उनके लिए गिरोह के लोग गाड़ी लेकर खड़े होते हैं। इसके बाद वो सब सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। देश भर में करोड़ों और लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद कड़िया, सांसी और गुलखेड़ी के तमाम बदमाश और बच्चे ब्यावरा में ही उतरते हैं। जी हाँ, ब्यावरा एकमात्र वो स्टेशन है जहाँ रेलवे स्टेशन भी है और जहाँ चारों तरफ शहर को तमाम बड़े शहरों से ये इलाका जोड़ता है। और ये तमाम बदमाश चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने के बाद अपने गांव में सुरक्षित दाखिल होते हैं और गांव में ही कैंप करते हैं, वहां से कहीं बाहर नहीं निकलते हैं। जब पुलिस पहुंचती है तो पूरा गांव हमला बोल देता है। इन तीनों गांव में हजारों लोग रहते हैं। 2000 से ज्यादा लोगों पर देश भर के दर्जनों थानों में 8000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि नई पीढ़ी में गांव के कई युवक पढ़ लिख कर नौकरी भी कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है तो कोई पटवारी, कई पुलिस और वन विभाग में भी हैं, लेकिन आज भी हजारों परिवारों का मुख्य पेशा बच्चों से चोरी कराना, जुआ खेलना और शराब बेचना ही है। स्कूल का रिकॉर्ड बताता है कि स्कूल में बच्चों की हाजिरी लगातार गिर रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और अब जिस तरीके के हालात सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि स्कूल में गिनती के बच्चे बचे हुए हैं। शिक्षक भी क्या करें, कहते हैं बच्चे बाहर पढ़ने चले गए। हकीकत ये है कि बच्चे अपराध के स्कूल जाते हैं।
खड़िया गांव की अपनी कहानियां हैं और तमाम बातों के बीच मेरे साथ नटवर जी हैं और प्रधानाध्यापक हैं गुलखेड़ी से सरोकार रखते हैं। सर, लगातार स्कूल में जो है बच्चों की संख्या कम हो रही है। जी सर, बच्चे कम होते जा रहे हैं कि उनका कारण है कि वो मतलब उच्च अध्ययन के लिए चले गए हैं और आगे से बच्चे मतलब दूसरे स्कूल में चले गए। मैं पास का वो है हाई स्कूल। बच्चों का कम होने का कारण यहाँ के बच्चों की एक आपराधिक प्रवृत्ति भी है। आपराधिक रिकॉर्ड एक बच्चों का बहुत बड़ा है, खासतौर पर कड़िया और गुलखेड़ी जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर। नहीं, हमारे यहाँ के बच्चों का तो नहीं है सर, और भी जैसे आपराधिक प्रवृत्ति हो सकता कहीं बाहर से आते होंगे, बच्चे बाहर से लाते होंगे वो करवाने के लिए। यहाँ के बच्चे नहीं है सर, अधिकतर आप तो शिक्षा से जुड़ गए हैं सर, मुख्य धारा में जुड़ गए हैं सर। बोड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले हजारों से ज्यादा आबादी के तीनों गांव की आंगनबाड़ियां भी पूरी तरह से बंद हैं। यहाँ किसी भी घर से बच्चे आंगनबाड़ी में नहीं भेजे जाते। वजह साफ है, पूरा गाँव बच्चों से चोरी की वारदात कर मालामाल हो चुका है। करोड़ों के बंगले गाँव में बन चुके हैं और आंगनबाड़ी पर गाँव में ताला लटका रहता है। कहने को आंगनबाड़ी खुलती है लेकिन सामने एक भवन है जिस पर अरसे से ताला लगा हुआ है। कोई ये बताने वाला नहीं है कि यह आंगनबाड़ी आखिरी बार कब खुली थी। मैं इस वक्त उसी कड़िया सांसी के इलाके में मौजूद हूँ। आंगनबाड़ी केंद्र है, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं बंद है और कभी से ये आंगनबाड़ी खुली नहीं है। कारण सिर्फ ये है कि यहाँ के बच्चे जो है वो बदमाशी की वारदात में लिप्त रहते हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं आते हैं। यही कारण है कि इस पर ताले पड़े हुए हैं। कड़िया सांसी का ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है ये पूरी तरीके से बंद है। शासन ने, प्रशासन ने अपने तरीके से इंतजाम किए लेकिन बदमाश प्रवृत्ति के हो चले बच्चे इस आंगनबाड़ी की सीढ़ियां नहीं चढ़ते। यही कारण है कि यह ताला जड़ा हुआ है। सवाल यह है कि देश भर में गली मोहल्लों में होने वाले अपराध बढ़ रहे हैं। कई जवाब राजगढ़ के तीन गांवों से मिल रहे हैं। ऐसे में फिर सवाल है कि सरकार और प्रशासन कर क्या रहे हैं। देखिए, पुलिस हमेशा इसको संज्ञान में लाती है। इसमें प्रशासन पुलिस मिलकर कई बार इनको रिहैबिलिटेट करने के प्लान भी बनाए गए हैं और कुछ रिहैबिलिटेट भी हुए होंगे, आंकड़ा हमारे पास नहीं है। लेकिन इसमें समाज को भी जुड़ना पड़ेगा। समाज, प्रशासन, पुलिस सब मिलके इस पे काम करेंगे। एक मुश्किल काम है क्योंकि वो जो लोग हैं वो लोग इसको आजीविका के रूप में देखते हैं, तो अगर हम आजीविका से उनको एतर ले जाकर किसी और चीज़ में लगाना चाहते हैं तो हमें प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। सामाजिक बदलाव के लिए एक विल पावर भी होना चाहिए, एजुकेशन भी है और रोज़गार भी है। तो जब तक समेकित रूप से प्रयास नहीं होगा तो इसमें इतनी आसानी से सफलता नहीं मिल पाएगी। कड़िया और गुलखेड़ी से हम लौट आए हैं। सबसे अहम बात बताऊँ आपको, अपराध की पाठशाला और अपराध की नर्सरी आपको कहीं देखनी है तो उसका सबसे जीता जागता उदाहरण राजगढ़ के कड़िया और वहाँ पे पहुँच सकते हैं आप। आसपास तमाम इलाकों में जिस तरीके से अपराध की नर्सरी पनप रही है, वहाँ पे जुए की पंचायत लगती है, वहाँ पर शराब की पंचायत लगती है, वहाँ शराब आपको खुले में बिकती हुई नज़र आ जाएगी। वहाँ के तमाम घर जो हैं वो अपराध में शामिल हैं। नज़ारे हैरान कर देंगे। बड़ा कैमरा हम नहीं ले जा सकते थे, यही कारण रहा कि मोजो से तमाम शूट किया गया और देखा गया कि हालांकि किस तरीके से वहां पर अपराध को अंजाम दिया जाता है। एक एक व्यक्ति वहां पर मोबाइल पर नजरें लगाए हुआ था। वहां कैमरा आप मोबाइल का भी नहीं निकाल सकते। सपनों के इस नगर में यादों की रह गुजर में। आप सोच रहे होंगे इतने गंभीर विषय के बाद हम सीधे कश्मीर की वादियों में क्यों आ गए। ये रील सनी सिसोदिया की है। जनाब की उम्र 24 साल है, 36 अपराध इनके नाम हैं। पुलिस इन्हें ढूंढने में पसीने से तरबतर होती है। ये कश्मीर की ठंडक में ऐश फरमाते हैं। राजगढ़ के कड़िया गांव से अजय शर्मा और कैमरा पर्सन अभिषेक ठाकुर के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV। टीवी पर पहली बार अपराधियों का स्कूल, जहां जाने से डरती है पुलिस। मैं जाने के लिए अलाउ नहीं करता हूं। इस थाना प्रभारी बूढ़ा में रहते हुए आज तक कोई भी चैनल डायरेक्ट वहां नहीं पहुंचे। NDTV के आप लोग वहां पर अपने साहस पे गए। देखिए वहां से हमारी तफ्तीश। आज हम इन्हीं दो गांव में पड़ताल करने के लिए निकले हुए हैं। 2 लाख फीस भरिए, चोरी लूट का कोर्स करिए। यहाँ माँ बाप ही बच्चों को भेजते हैं चोरी लूट की पढ़ाई के लिए।
स्कूल से देश भर में होता है प्लेसमेंट।